नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के लदनिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां लदनिया में एसएसपी जवान को कुचलने की घटना में दो गिरफ्तार, स्कॉर्पियो भी जब्त। लदनिया प्रखंड के योगिया गांव के पास शराब धंधोबाज द्वारा एसएसपी जवान को स्कॉर्पियो वाहन से कुचलने की घटना, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में एसएसपी के हेड कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश निवासी देवराज की मौत हो गई थी। एक अन्य जवान महाराष्ट्र निवासी सिंधे अंबादास घायल हो गए थे। इस कांड को अंजाम देने में शामिल दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, स्कॉर्पियो भी जब्त कर लिया है। स्कॉर्पियो चालक दिलीप कुमार यादव व लाइनर राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। चालक दिलीप बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूपट्टी चौक का रहने वाला है। उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है, उसके घर पर ही स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है। इस कांड में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। उसने पुलिस को बताया कि घटना की रात वह शराब लदा स्कॉर्पियो से फरार होकर अंधराथाड़ी थाना क्षेत्र के स्थित कमलावना नदी के पूर्वी तटबंध पर स्थित बदुवार में शराब उतारा था। 15 दिनों से स्कॉर्पियो को चालक अपने पास ही रखा था। जब्त की गई स्कॉर्पियो बाबूवड़ी थाना क्षेत्र के बेलदोरा निवासी दर्जी यादव का बताया जा रहा है। पुलिस ने लाइनर राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। राकेश जयनगर थाना क्षेत्र के सेवरा गांव का रहने वाला है। राकेश को भी उसके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। जब्त स्कॉर्पियो के मालिक दर्जी यादव अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। स्कॉर्पियो के चालक दिलीप कुमार यादव ने बताया, पुलिस को बताया कि स्कॉर्पियो करीब 15 दिनों से उनके पास, इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव में 29 अगस्त की रात एसएसपी के दो जवानों को शराब तस्कर ने स्कॉर्पियो से कुचल दिया था। देखिए इस खास रिपोर्ट को। 29/8/2022 को संध्या में जो है लदनिया थाना अंतर्गत योगिया सिमरा टोल में एसएसपी के जवान को जो है शराब तस्करों द्वारा जो है धक्का देके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें एक हेड कांस्टेबल जो था उसकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान, ये देवराज की, हेड कांस्टेबल की। उसी क्रम में जो है केस दर्ज करके सुसंगत धाराओं में कांड संख्या 264/22 अनुसंधान शुरू किया गया, और अनुसंधान के क्रम में जो उसमें जो लोग संलिप्त थे उस वाहन में स्कॉर्पियो के द्वारा धक्का दिया गया था, उसमें सिकंदर यादव, नवल यादव, विवेक यादव, इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया, चालक को भी बरामद कर लिया गया, दिलीप कुमार यादव जो कि भूपट्टी बाबूबरही का रहने वाला है। और इसमें जो है दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में जो चालक था वो, और दूसरा जो है राकेश यादव, जिसके यहाँ जो है इसमें कुछ लोग जो अभियुक्त लोग ठहरे हुए थे, जो लाइनर का काम किए थे, जो विवेक है, नवल है, मनोज है, उन लोग दो की गिरफ्तारी हुई है। दो मोबाइल बरामद हुआ है और प्लेटिना मोटरसाइकिल जिसमें शराब था, और स्कॉर्पियो इसकी बरामदगी की गिरफ्तारी के लिए। अन्य की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिशा निर्देशन में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अन्य लोग भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसको गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तार किया गया है चालक को जो है उसके अपने जगह से, घर से भूपट्टी जो कि बाबूबरही थाना के अंतर्गत पड़ता है, और इसने अपनी स्वीकारोक्ति में सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, और गाड़ी भी वहीं से बरामद। हाँ, इसमें जितने भी विवेक हैं, नवल हैं, मनोज हैं, ये लोग गाड़ी में थे, तस्कर हैं, शराब तस्कर हैं, इन लोग की छापामारी चल रही है, जल्द ही इन लोग को। उस दिन शराब लेके ये लोग आ रहा था खेत लेके। उस स्कॉर्पियो में लोग था, और जो प्लेटिना था उस पर शराब बरामद हुआ था, और प्लेटिना गाड़ी में वही विजय कुमार का है। बाइक चालक का शिनाख्त हुआ? हाँ, शिनाख्त हो गया है, विजय यादव है, और उसकी भी छापामारी चल रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया। कॉपी सर्विस। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।